कैंसर, जैसे कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि कैंसर क्यों होता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, पर मिस्टेक ऑफ द वीक में ये है कि आप जो लिपस्टिक लगाते हैं, जो बहुत सस्ते ब्रांड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, हम लोग लिपस्टिक क्या करते हैं, हम खाते रहते हैं, जो 24-24 घंटे स्टे वाली लिपस्टिक्स होती हैं खाते हैं और वो अंदर जाते हैं. तो कई ऐसे नुकसान वाले कॉस्मेटिक्स हैं, लिपस्टिक्स हैं या फिर ऐसे स्किन केयर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिससे कैंसर होने के डर रहते हैं. सो जितना नेचुरल रखेंगे उतना बेटर है. होम मेड लिप बाम्स, होम मेड ग्लॉस बना सकते हैं, ऑयल बेस्ड ग्लॉस बना सकते हैं. एक अपना आप टी ट्री ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल या कोकोनट ऑयल, उसमें आप बीटरूट होता है ना, बीटरूट टिंट डाल दीजिए. आयुर्वेदिक भी आजकल लिपस्टिक्स आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है या आपको पोस्ट कैंसर या फिर कैंसर से बचना है तो ये. दूसरा मैं आपको बताती हूँ, आप ये लोग जो समोसे खाते हैं ना, कभी सुना है कि समोसे से भी हो सकता है? हो सकता है. जो ये रेंसिड ऑयल होता है ना, सबसे ज़्यादा रीज़न टबैको और अल्कोहल सबको मालूम है जेनेटिक भी होता है, लेकिन जो ये अनदेखा कैंसर हम लोग जो खाते हैं वो है मैम, कभी हलवाई के पास जाओ, काला तेल, गाढ़ा तेल, बिल्कुल रीयूज़ करते हैं, ये रेंसिड तेल है और इससे कैंसर होता ही है. सो थोड़ा इससे बचो, जितना बच सकते हो उतना हमें लोगों को बचना चाहिए. बाकी चाहे माइक्रोवेव लगा लो, रेडिएशंस लगा लो, एक्सेस फ़ोन के वो यूसेज लगा लो, कैंसर कैसे भी हो सकता है, लेकिन परहेज मुश्किल तो नहीं है. मतलब लाल नाला तो परहेज अच्छा है. अच्छा है, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू.